हरे कृष्ण राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमने अकुरत संकष्टी चतुर्थी की पूजा की थी उसकी चौकी का विसर्जन हमें कैसे करना है और चढ़ाई गई सामग्री का हमें क्या यूज करना है और कैसे कहाँ विसर्जन करना होता है, तो आज की वीडियो में वही जानेंगे। तो देखिए भक्तों, जैसे हमने ये पूजा कर ली है और ये हमारा दीपक हो गया है शांत, जब हमें ये चौकी हटानी होती है, क्योंकि हमें दिन में दो बार ही पूजा करनी होती है और अगले दिन हमें ये चौकी का विसर्जन करना है, तो ये नेक्स्ट डे है। तो हमें क्या करना है, जो ये भोग प्रसाद है ये हटाना होता है, लेकिन इससे पहले हमें ये करना होता है, यहाँ पर तीन बार ताली मारनी चाहिए, उसके बाद थोड़ी सी चौकी को ऐसे हिलाना है, फिर उसके बाद में हमें जो ये भोग सामग्री है ये हटा लेनी है। हम परिवार सहित इसे ग्रहण कर लेंगे, तो ये हम हटा लेते हैं। जो ये हमने ऋतु फल चढ़ाए थे ये भी हम परिवार के सहित ग्रहण कर लेंगे, तो ये मैं अपने हटा लेती हूँ। चलो, ये जो दक्षिणा हमने चढ़ाई थी ये दक्षिणा हम किसी जरूरतमंद को दे देंगे, और आप चाहें तो इसके साथ कच्चा सीधा भी रख करके दान कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। तो ये दक्षिणा मैं हटा लेती हूँ। ये जल का लोटा है जो हमने भर कर रखा है, इसे हम सूर्य देव को अर्घ्य दे देंगे, या फिर आपने अगर शाम को पूजन किया था तो आपने चंद्रदेव को अर्घ्य दिया होगा, और बाकी ये आप घर में छिटक दें। इसके बाद ये जल का लोटा हम चंद्रदेव को अर्घ्य दे देंगे, तो ये मैं हटा देती हूँ इसको। इसके बाद में भक्तों, जो फूल पत्तियां हैं ये सब हम हटा लेंगे, क्योंकि ये सूख चुकी हैं, हमें यहाँ पर नहीं रखना है, तो ये सभी चीजें हम हटा देंगे और इसका हम विसर्जन कर देंगे। आप चाहें तो इसे जल विसर्जन कर सकते हैं, भूमि विसर्जन कर सकते हैं, आप चाहें तो गमले आदि में भी डाल सकते हैं। तो इन सभी पत्तियों को मैं हटा लूँगी, और आप चाहें तो दुर्वा को आप रख सकते हैं पूजा में यूज़ करने के लिए, नहीं तो आप विसर्जन कर दें। तो मैं ये सभी चीज़ें हटा लूँगी, विसर्जन करेंगे इसका, तो कोई भी चीज़ ऐसी ना हो यहाँ पर जो हमें दोबारा यूज करनी हो। और ये जो जनेऊ हमने चढ़ाया था, ये जनेऊ आप घर में, अगर पुरुष आपके घर में कोई पहनता हो तो आप उसे पहनने के लिए दे दें, नहीं तो आप ये मंदिर में दान कर देंगे, जो हमने दक्षिणा ली है उसके साथ में आप मंदिर में दान कर दें। पंडित आदि पहन लेते हैं तो आप ये रख दीजिएगा, मंदिर में दान दे सकते हैं। उसके बाद में जो ये दीपक लिया है, दीपक को हम यहाँ पर निकाल देंगे, जो ये बाती ली है बाती को भी हम निकाल देंगे, और इस कटोरी को धुल करके दोबारा हम यूज़ कर लेंगे, और ये जो फूल बत्ती ये है सब इसी में हम अलग से रख लेंगे। तो ये जो बर्तन है ये पूजा के हम धो करके दोबारा पूजा में रीयूज़ कर लेंगे, तो इसे हम रख लेंगे वापस। गणेश जी की प्रतिमा है, आप इस पर जल का छींटा लगा करके शुद्धिकरण करके पवित्रीकरण करके आप वापिस इसे मंदिर में स्थापित कर लें, और इनसे प्रार्थना करें कि आप अपने स्वर्ग लोक की तरफ, वैकुंठ लोक की तरफ अपना गमन करें। तो इस तरह से प्रार्थना करके ही चौकी हिलाई जाती है। तो ये मैं अपनी प्रतिमा हटा लेती हूँ, इसे मंदिर में वापस धुल करके रख देंगे। बाकी जो ये फूल पत्तियाँ हैं इन सभी चीज़ों को हम हटा देंगे। अगर आपने अक्षत चढ़ाए हों वो आप पक्षी को चढ़ा सकते, खिला सकते हैं, कबूतर आदि को खिला सकते हैं, या फिर आप इन्हीं फूल पत्तियों के साथ भूमि विसर्जन, जल विसर्जन कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो वस्त्र हमने चढ़ाए थे ये हम दान कर देंगे मंदिर में। अगर आपने 1.25 मीटर, 2.25 मीटर जैसे भी आपने वस्त्र लिया हो तो आप ये दान कर सकते हैं, या फिर आप घर में किसी को भी जरूरतमंद जो हो आपके पास आसपास आप उसे दे सकते हैं दक्षिणा के सहित। तो ये मैं हटा लेती हूँ, ये हमें दान करना है। उसके बाद में जो गणेश जी हैं, ये जो कलावा है ये हम किसी को भी पहनने के लिए दे सकते हैं, बांधने के लिए दे सकते हैं, क्योंकि ये रक्षा सूत्र होता है, चाहे तो देखिए इस तरह से बांध सकते हैं, किसी को भी पहनने के लिए दे सकते हैं। तो ये मैं हटा लेती हूँ, रख लेती हूँ, बांधने के लिए दे देंगे। उसके बाद में ये जो गणेश जी भगवान की फोटो है, प्रतिमा है, इसे आप जल का छींटा, गंगा जल का छींटा लगा करके साफ कर लें, पोंछ लें, और इसे लाल कपड़े में बांध करके वापस आप अपने घर में रख लें। जब नेक्स्ट चतुर्थी आती है तो आप उस दिन भी इन फोटो को निकाल करके छींटा लगा करके दोबारा से पूजा में यूज़ कर सकते हैं। यदि कैलेंडर रखा है तो आप उसको भी पूजा में दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये हटा लेती हूँ। चलो,
तो ये जितने भी फूल पत्तियां हमने चढ़ाई थी ये सभी हम हटा लेंगे, हमें ये विसर्जन करना है। तो ये आप विसर्जन, यदि आपके पास नदी आदि बहती हो तो आप वहां पर विसर्जन कर सकते हैं, या फिर गमले आदि में कच्ची जमीन में भी दबा सकते हैं। तो ये सभी चीजें मैंने विसर्जित करने वाली है, हटा ली है, तो मैं हटा लेती हूँ इसको। वस्त्र है, ये वस्त्र आप दोबारा से धुल करके पूजा में यूज कर सकते हैं, तो इसे मैं हटा लूंगी, धुल करके रख लेंगे। और ये चौकी है, चौकी पर आप गंगा जल का छींटा लगा ले, उसके बाद से आप चौकी को पोंछ करके दोबारा पूजा में यूज कर सकते हैं। तो भक्तों इसी प्रकार से हमें चौथ की जो है अगुरत चतुर्थी है उसकी हमें चौकी इस प्रकार से विसर्जन करना होता है। और क्या क्या सामग्री जो चढ़ाई थी उसका क्या क्या करना चाहिए वो संपूर्ण जानकारी मैंने आपको आज के इस वीडियो में दी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय अवश्य रूप से लिखिएगा। आज अब तक के लिए जो आपने वीडियो अभी देखी है, पूरी देखी है, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।